हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए ही किया गया है। जैसे कि मेरी कुलदेवी जो हमारी है विंध्याचल, वहाँ पे बहुत जल्द धर्मशाला बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी, बस ये फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे बाथरूम की प्रॉब्लम से लोग यहाँ से दूर दूर से जाते हैं, तो वहाँ बाथरूम की प्रॉब्लम से रोड की प्रॉब्लम है, और ये धर्मशाला मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर कोई जाके नहीं होटल में खाना खा सकता है, सब दर्शन करके ऐसे ही निकल जाते हैं। तो हमने वहाँ पे जमीन ले ली है, दिवाली से वहाँ पे काम चालू हो जाएगा। दिवाली के बाद से वहाँ सबसे पहला काम चालू होगा, वहाँ पे रोड बनवाए जाएंगे, वहाँ पे बाथरूम की सुविधाएं की जाएंगी, जिससे कि आम पब्लिक को उस सुविधा का लाभ होगा। और उसके बाद धर्मशाला, जैसे शिरडी में शाही प्रसाद का किया गया आयोजन कि 20-30 रुपये दे के आदमी पेट भर के खाना खा सकता है, वैसे ही हम लोगों ने मिर्जापुर में विंध्याचल में बगलामुखी धर्मशाला का स्थापन किया है। बहुत जल्द भूमि पूजन की भी वीडियो आपके सामने आएगी, शायद कहते ना जन्माष्टमी तक ही आपको भूमि पूजन की वीडियो आ जाएगी सामने, और दिवाली से वो काम शुरू हो जाएगा। बस एक साल के अंदर वो धर्मशाला तैयार होके वहाँ पे धर्मशाला के आयोजित हो जाएगी, जिससे कि आम पब्लिक, जो आम लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। बहुत कम पैसों में आवास की सुविधा होगी, जिससे कि वो बहुत कम पैसों में आके रूम लेके अपना रह के माँ के दर्शन करके अपने परिवार के साथ सुरक्षित वापस अपने घर जा सकेंगे। ये सारी सुविधाएं हमने बगलामुखी ट्रस्ट के जरिए, मैं खुद ये सारा चीज़ें करवा रही हूँ। बगलामुखी भवन, बगलामुखी धर्मशाला और जो रोड की व्यवस्था है, वो सब हम खुद से कर रहे हैं। इसमें हमारा सरकार भी हमारी साथ देगी, जिससे कि लोगों को वहाँ पे आने जाने वालों को, रहने वालों को बहुत फायदा होगा। प्लस वहाँ पे उसी जमीन पे हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को और भी ज़्यादा सुविधा हो, खास करके मंदिर के पास, क्योंकि मंदिर के पास वो हॉस्पिटल जिस तरह से रहना चाहिए वो नहीं है। वहाँ पे जिस तरह के हॉस्पिटल, मतलब जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं, वो हम वहाँ पे सुविधा डालने जा रहे हैं। ये सारे काम दिवाली से शुरू हो जाएंगे, करीब 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी मिर्जापुर विंध्याचल जाएंगे, तो आपको वहाँ का एक नया रूप देखने मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब हमें शुभकामनाएं दें, कि हमारे काम में कोई अड़चन ना आए, और ये बगलामुखी धर्मशाला, बगलामुखी हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्माण हो सके। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगलाओं की, जय माँ विंध्यवासिनी।